लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अगर कोई भी साइंटिस्ट लैब में काम करना चाहता है तो उससे पहले ज़रूरी है कि वो इन लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सही तरह पढ़ ले। सो व्हाट आर दीज प्रोटोकॉल्स? नंबर वन, द रिसर्चर शुड वेयर सेफ्टी ग्लासेस व्हेन ही और शी इज हैंडलिंग एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल और एनी अदर बायोहैजर्डस मटीरियल। देन द शूज शुड बी क्लोज स्टोर्ड एंड फूड स्टफ और ड्रिंक्स शुड नॉट बी अलाउड इन द लैब। यहाँ तक कि फ्रिज जो आपकी लैब में पड़े हुए हैं, जहाँ पे आप बायोहैजर्डस मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, वे देयर यू कांट पुट योर फूड स्टफ, क्योंकि ये आपके फूड स्टफ को भी कंटेमिनेट कर देगा। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल फॉर फीमेल्स इज दैट दे शुड टाई देयर लॉन्ग हेयर प्रॉपरली एंड दे शुड नॉट अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स ऑन देयर फेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अप्लाई मस्कारा ऑन योर आई लैशेज, देन इट कैन कंटेमिनेट द आई पीस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। सो दीज आर द सिंपल प्रोटोकॉल्स जिनका आपने एज अ साइंटिस्ट लैब में खुद ख्याल रखना है। एक साइंटिस्ट के लिए जरूरी है कि वो लैब में एंटर होने से पहले स्टरलाइज लैब कोट्स या एप्रन पहने। देन ओपन फ्लेम्स शुड नेवर बी लेफ्ट अनअटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉम्प्रेस्ड गैस ओपन फ्लेम के पास पड़ी हुई है तो इट कैन कैच फायर। इन द सेम वे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कैन हैपन इफ ओपन फ्लेम्स आर लेफ्ट अनअटेंडेड। Then flammable liquids should not be kept open or it should not be placed in the refrigerator. अगर आपके स्किन पे किसी केमिकल के साथ इरिटेशन आपको महसूस हो रही है, then rinse your skin thoroughly with the water. Now the most important thing in the lab safety protocol is the proper waste disposal. If you want to dispose of your waste, then shower box, yellow trash bags should be available in the labs. Now this is for the solid waste. अगर आपने syringes को dispose of करना है या broken glasses को dispose of करना है, you will use the shower box. And if you want to dispose of the microbiological cultures, then you will use the yellow trash bags. While the protocols are different for the liquid waste, you can't throw it directly into the yellow trash bags. Rather, you have to place the liquid waste into the containers, label it properly, and then put it in the trash box. If you are using any sort of equipment in the lab, then you have to clean the lab equipment after using that equipment and place it back at its proper position. अगर किसी किस्म का लैब में कोई केमिकल स्पिल हो जाता है, इवन थर्मामीटर ब्रेकेज हो जाती है, यू हैव टू इन्फॉर्म योर बायोसेफ्टी ऑफिसर। नाउ एज अ साइंटिस्ट यू हैव टू हैंडल द हॉट ग्लासवेयर और हॉट सॉल्यूशंस और हॉट अपरेटस वेरी केयरफुली। अवॉइड टेकिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल्स इन द लैब। अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल यूज करेंगे तो हो सकता है कि उसके फ्यूम्स आपकी पूरी लैब को कंटेमिनेट कर दें। इट कैन कॉज स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन एंड कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। नाउ सेल फोन्स, हेडफोन्स, चेयर्स आर नॉट परमिटेड व्हेन द लैब वर्क इज इन सेशन। सिमिलरली, लैब डोर्स मस्ट बी kept closed when work is in progress. Now lab must be fully equipped with the lab safety equipments. That includes fire extinguishers. Fire extinguisher हर lab के बाहर होना चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई fire लग जाती है, just pull it off और fire spray आप fire के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा फायर ब्रैंकेट्स भी अवेलेबल हैं, और सपोज आपने केमिकल स्टोर में रखे हुए हैं और अगर किसी किस्म की फायर लग जाती है और आप अंदर नहीं जा सकते, इन सच कंडीशंस वी यूज द सेफ्टी शावर्स। इफ एनी सॉर्ट ऑफ आई इरिटेशन अकर, देन यूज आई वॉश एंड वॉश इट थॉरली विद द वॉटर। फर्स्ट एड किट शुड बी अवेलेबल इन द लैब। अगर किसी किस्म की इंजरी वर्कर को हो जाती है तो इन सच कंडीशन फर्स्ट किट शुड बी देयर। देन फ्यूम हुड्स और फ्यूम कैबिनेट शुड बी देयर इन ऑर्डर टू कैच द फ्यूम्स विच आर डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
Then sodium hydrogen carbonate, bleaching powder and 70% alcohol, all such type of disinfectants should be available in the lab.